जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी अरे घाट पे समझ क्या सारी क्या? कहानी तेरी में कहानी तेरी रानी सत्संगी हूँ जीने की इच्छा नहीं रही। मैंने सोचा कि ये भगवान अगर आज इस समय पे आप मुझे मिलोगे तो मेरा दर्द बांटोगे, मेरी बात को समझोगे, लेकिन उस भगवान ने आपको मुझे मिलाया भी है, तो ये किस हालात में पिया जी आप मेरा दर्द बांटने की वजह मेरा दर्द और बढ़ा रहे हो। ऐसा मत करिए पिया जी, ऐसा मत करिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ए तारा, मेरे शरीर के अंदर प्राण रहे या ना रहे, लेकिन जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है, जब तक मुझ में सांस है, मैं धर्म को छोड़ नहीं सकता, मैं सत्य के रास्ते को छोड़ नहीं सकता।
मुझे कितना ही पत्नी और पुत्र का आश्वासन दे लीजिए, मैं अपने रास्ते को बदल नहीं सकता, अपने रास्ते को बदल नहीं सकता। न्यू सोची पिया दुख बांटेगा, न्यू सोची पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने। सवा रुपया कफन दे देना, भूकण दूंगा लाश तने। तो यू भी होएगा का इन्हें देख ले, रोहतास की लाश पड़ी है, रानी तारावती विलाप कर रही है, राजा हरिश्चंद्र कर मांग रहे और ये नौच रहे। पता नहीं किसको किस चीज में भाई साहब स्वाद आ जाए, इसे कलेश में स्वाद आ रहा। रागनी को ध्यान से सुनने का कोई मामला नहीं है, उसका आनंद ले रहे, लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जब तक ये रागनी चले, जब तक थोड़ा सा रागनी को रागनी के तरीके से ही आप सुने, क्योंकि रंगारंग कार्यक्रम भी आपके लिए बहुत होते रहेंगे, लेकिन कुछ सुनने की जब चीज आती है तो उसको उसी भाव से सुनो। दूसरे नंबर पे साथियों क्या कहता है और क्या हालात दिखाए, क्या बताया भरा। बांटने की वजह सवा रुपया और कफन मांग रहे हो, मैं
जाने कहां से लाके दूं पिया जी, कहां से लाके दूं। रा लोगो, इस भारत का वो इतना बड़ा राजा जिसने सपनों में वचन देकर के साथियों गद्दी को लात मार दी, ठुकरा दिया, आज एक भंगी के घर में जाकर के साथियों अपना गुजारा किया है। शमशान भूमि में पुत्र की लाश पड़ी हुई है। आ लोगों, देखिए हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे बलिदान दिए हैं, कैसे कैसे रास्तों पर चले हैं साथियों। यह बात हमें शिक्षा देती है कि हालात कैसे भी आ जाए, लेकिन इंसान को अपने रास्ते को नहीं बदलना चाहिए, अपने उस सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। आज लाख बार तारावती के कहने पर भी उस हरिश्चंद्र ने साथियों अपने हृदय पर पत्थर रख लिया, क्योंकि जानता था कि यह मेरा पुत्र है, और जो ये पुत्र की दुहाई दे रही है इस लाश का दाह संस्कार करने के लिए, ये मेरी पत्नी है। रे लोगों, वो सम्राट जिसका इस संसार पर राज था, आज कैसे हालतों से गुजर रहा है साथियों। रागनी अच्छी लग रही हो तो मैं एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा जरूर हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। नंबर तीन के अंदर एक एक बोल मोती की तरह पिरोया है, क्या कहा क्या लिखा बता। साथियों चीर को ले लेता है हरिश्चंद्र। यह कहता है कि मैं भी नौकर हूं अपने मालिक का, अपने मालिक के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। Bye.
उस अर्धांगिनी ने ये कह दिया कि हे पति परमेश्वर, हे मेरे जीवन के साथी, हालात जैसे भी हैं मैं उनमें तुम्हारा साथ दूंगी, मुझे जिस तरह वो परमात्मा रखेगा मैं रहूंगी, आप इस 125 रुपए के बदले तो मेरे इस सुहाग की निशानी, इस गले की कंठी को ले लीजिए और कफन के बदले इस चीर को ले लीजिए, मुझे वो परमात्मा जिस ढाल में रखेगा मैं रह लूंगी। महाराज आप अपना धर्म ना डिगाइए, आप अपने सतमार्ग को ना छोड़िए। नंगे सिर भी रह लूंगी जा अपना फर्ज निभाइए तू, जिस ढाला तन जिस ढाला राखे परमेश्वर उसी ढाल से रहिए तू, जिस ढाला राखे परमेश्वर उसी ढाल से रहिए तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में, इब तो दाग लगाइए तू, नई बस्ती नई बस्ती नई बस्ती गुरु धाम जय करण हर दम सी झुकाइए तू।